सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं निकल रही हूँ ऑफिस को, हाथ में इतना सारा सामान। तो अभी मुझे विपुल भैया लेने आ रहे हैं, उनके साथ में जाती हूँ ऑफिस और फिर आगे का प्लान जो भी है मैं तब आपको बताती हूँ। अल्मोड़ा में इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बैग्स और ये सारे लोग निकल चुके हैं रानीखेत को। पहले हम जाएंगे कटपुड़िया, फिर हम जाएंगे मछखाली, फिर हम जाएंगे रानीखेत। और अगर टाइम से सब चीज़ निपट गया तो उसके आगे की भी जर्नी हम आज ही कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स सी हम कहाँ तक जाते हैं, बट अभी हम निकल गए हैं अल्मोड़ा से। कटपुड़िया में दर्शन समिति। तो हम लोग का कटपुड़िया निपट चुका है, इसके बाद हम निकल रहे हैं मछखाली को, मछखाली के बाद रानीखेत जाएंगे। तो निकलते हैं ट्रैवलर की ओर जो कि हमारी उधर खड़ी हुई है, तो उधर चलते हैं। के लिए हम लोग फिर से प्यारे से जंगल में चूल्हा बना रहे हैं। हमारे साथ अरे लकड़ी ढूंढ के लाए हैं और मैगी के लिए हमारे ऊपर से लोग आ रहे हैं प्यारे प्यारे। यहाँ हम मैगी बनाएंगे, मैगी खा के हम जाएंगे रानीखेत। फिर भी आई लोग लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं और ये महान क्या ढूंढ रही है, कुछ नहीं लगी लकड़ियाँ, ऐसे उठ पड़ा घर को तुम्हें लगी। इधर मुझे इन दोस्त तो उन्हें नहीं, इन महानों ने बताया कि यहाँ बाघ का खतरा ज्यादा नहीं है, इन गिद्धों का क्या बोलते हैं, गरुड़ का खतरा ज्यादा है। गरुड़ बाज जो कि इधर अगर इन सबको साइलेंट कर दो, उनकी आवाज इतना ज्यादा आ रही है, तो उनकी आबादी यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके पंख यहाँ हमें बहुत ज्यादा मिलेंगे। और कूड़ा, वाह, बोतलें देख रहे हो, बियर की बोतल, ऐसा कूड़ा मत करके जाए, नहीं करके जाए, अपना कूड़ा अपने साथ लपेट के कहीं डस्टबिन में फेंक कर जाए। और हमारी आग जल चुकी है, गुड, बैठ जा इसके ऊपर, तो तू नो के तरह उड़ेगा। देखो जरा गर्म पानी हो, सबर करो। वाव, ये क्या है, इनको वाव बोलते हैं। एक पलटा करता टूट गया था, पलटा कलटा वो है, आराम से मैंने बनाई है। वेलकम, निकल रहे हैं रानीखेत की मार्केट से अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता अभी हमें यहाँ रुकना है, क्योंकि हमारे रहने का अरेंजमेंट रानीखेत गेस्ट हाउस में हुआ है। बट अभी हमारे पास टाइम बचा है, हम लोगों ने काफ़ी टाइम से ये निपटा लिया, बट मौसम भी की सिचुएशन ये है। तो देखते हैं अगर हम आगे चिनियानौला साइड निकलते हैं तो वहाँ का प्रोग्राम निपटा के फिर से हम वापस रानीखेत आ गए, यहाँ के गेस्ट हाउस में स्टे का अरेंजमेंट देखेंगे। बट अगर नहीं है तो हम फिर यहीं अपने स्टे की ओर जाएंगे, गेस्ट हाउस की ओर। तो सब लोग बैठ चुके हैं, मैं भी बैठती हूँ और निकलती हूँ जो भी हमारी नेक्स्ट लोकेशन है यहाँ पे वहाँ के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, जैसे कि विपुल भैया ने बताया कि हम लोग चिनियानौला नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं सीधे अपने गेस्ट हाउस। उतारो सारा सामान, चढ़ाओ, उतारो, इसी में है हमारी जिंदगी आज।
अच्छी है। अंधेरा कायम रहे, थोड़ा लाइट वाइट चलते वहाँ पे रूम दिखाती हूँ, बट अभी ऐसे दिखाती हूँ। मैंने अभी हेयर ऑयलिंग करी है, इतनी गंदी सी लग रही, क्योंकि सुबह नहाना मतलब मौत को बुलावा देना। हालांकि मैंने नहाया था बट हेयर नहीं धो सकती थी क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा था, स्नो वाला सीन हो रहा था, बट पड़ी नहीं, कहीं कहीं जगह पड़ चुकी है जागेश्वर और धनिया साइड। मैं आप लोगों को अपने किचन में लेकर चलती हूँ। आज हमारी मैम आई है और खाना बन रहा है। क्या बन रहा है आज? ओके, फटाफट से नहाती हूँ, चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ, क्योंकि एक दिन ऑलरेडी नहा गया है, दूसरी मैं और महान नहाने जाने वाली हूँ, फिर और टाइम लेगा, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। यह नेटवर्क नहीं आ रहा, दोनों क्रॉस कर लिया। आइडिया तुम रवैसी बंदर जियो के, तो फिर पता नहीं क्या ही बोलूँ, जियो बहुत महान है, जहाँ जहाँ भी गई जियो ने मेरा साथ नहीं दिया, तो यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ भी क्रॉस लगा है, नो सिग्नल, तो कुछ नहीं। फ़ोन चार्ज करती हूँ, पता नहीं क्यों चार्ज कर रही हूँ, थोड़ा एडिटिंग भी कर लूँगी, क्योंकि मेरे व्लॉग आई थिंक लेट में ही आ रहे होंगे, मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, थक जा रही हूँ, तबीयत भी साथ नहीं दे रही है, मेडिसिन मेरी चल रही है, बट हाँ एडिटिंग कर लूँगी आज, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गुड नाइट गाइस, मेरा पूरा दिन ओवर हो चुका है, मेरे बाल अभी भी नहीं सूखे हैं, बट बाहर मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, अभी बारिश पड़ रही है, और मे बी शायद नॉट श्योर बर्फ पड़ सकती है, मॉर्निंग का वेट कर रहे हैं, अगर बर्फ पड़ती है ठीक है, नहीं पड़ती तो अभी ठीक है, बट ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो बिस्तर लगा रहे हैं मेरे साथ वाले और हम सोते हैं। ये ब्लॉग में करती गई है, कल मैं फिर से मिलूंगी मेरी नई जर्नी के साथ, तब तक टेक केयर, गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, तो मैं थोड़ा बहुत तैयार हो चुकी हूँ, बाल मैंने बनाने हैं, बाकी मेरे जो रूममेट्स हैं वो लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, और रूम वूम हमने साफ कर ही दिया है, मैं किचन में लेके चलती हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट सो हमने चेकआउट कर दिया है, गाड़ी हमारी प्रिपेयर है, मौसम आप देख सकते हो धूप आई हुई है, और बर्फ जहां तक यहाँ तो नहीं पड़ी, बट मे बी सामने पड़ी है, दिखता रहा था सुबह, बट अभी क्यों नहीं दिख रहा। हम लोग पहुंच चुके हैं गनिया डोली अपना वर्क करने, तो अब हम निकल रहे हैं भतरोज खान के लिए। ताड़ीखेत में हमारा काफी अच्छा रहा क्योंकि यहाँ हमें ज्यादा क्राउड मिल गया था, यहाँ ऑलरेडी हमारा बहुउद्देशी शिविर लगा हुआ था, तो उससे यहाँ क्राउड ऑलरेडी मौजूद था, तो हमारा काम भी हो गया, तो अब हम निकल रहे हैं भतरोज खान के लिए। तो हम लोगों ने जंगल से कुछ लकड़ियाँ कलेक्ट करी क्योंकि रात का खाना कुछ हम लकड़ियाँ बनाते हैं कुछ गैस में, और हमारे साथ वालों की बाइक ख़राब हो गई जो कि अच्छा हम यहाँ रुक गए, वरना तो हमें पता भी नहीं लगता ऐसे आ रहे हैं। हम लोग भतरोज खान से भी निपट चुके हैं, हमारा काम यहाँ का भी हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस भिक्किया से, कि ओ भिक्किया से तो हम नहीं जा रहे, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, हम जहाँ भी जा रहे हैं
हमारे सिटी का अरेंजमेंट वही है, मैं अभी आगे आपको अपडेट देते रहूँगी। और हमें कुछ सामान लेना था हमारे रात के लिए, रात का जो खाना वाना है वो, सो वो हम लोग ले रहे हैं एक राशन वाली दुकान से। पीछे मेरे टीम मेट्स हैं, इधर मेरी गाड़ी खड़ी है और हम सामान लेते हैं, उसके बाद मैं जाती हूँ गेस्ट हाउस, मैं आप लोगों को वहाँ मिलती हूँ। और आज बर्फ़ पड़ेगी ऐसा मैंने बोला था, पड़ी नहीं, मौसम ठीक ठाक है, एवरेज है, ठंडा तो है ही बट झेलने की आदत हो गई, मतलब ऐसा वाला। और दिखाती हूँ बाहर यहाँ का व्यू, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे गेस्ट हाउस में, क्योंकि भतरोज खान में ही है, हम लोग कहीं और नहीं गए हैं, भतरोज खान में ही हमने PWD गेस्ट हाउस दिखा हुआ है। ये हमारी मैम और ये हमारा गेस्ट हाउस, और यहाँ का नज़ारा, एक रूम रहा ये कि मुझे नहीं पता, ओहो अलग 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 बेड है। और इधर चल देयर, सो ये हमारे लड़कों का रूम है, और लड़के पता नहीं कहाँ लापता है, लड़के हैं ही, ये कौन है? अब ठीक है, नॉट गुड। वॉशरूम के बारे में इतनी तारीफ सुनी तो अब मैं दिखाई देती हूँ, इतना बड़ा क्या है, वेस्ट ऑफ लैंड। हे गाइस, कैसा रहा आज का दिन? कहाँ, कितनी अच्छी बर्फ पड़ी थी ना, एंजॉय करा ना, हमने कितने सारे स्नोमैन बनाए। तो ये देखो हमारा किचन, तो दिखाओ किचन डिपार्टमेंट, टमाटर काटते हुए योग्यता करूंगा, लहसुन काटते हुए देवेंद्र करूंगा, ये पता नहीं क्या करी है, करते हुए श्वेता, ये नारियल तेल गरम करते हुए और आलू बॉईल करते हुए दीपिका, और ये हमारे सर जी, ओके वो हमारा क्या बना रहा है भाई, फिश, क्या बोले हो, वन मोर टाइम, फिश फिश, ओके हम पहाड़ी स्टाइल में गरम मसालों को भी पूरा गरम मसाला बना रहे हैं, बारीक कर रहे हैं एकदम, तो ओके जिसमें एकदम देसी स्वाद आए, अपना पहाड़ का स्वाद आए, ओके हम अपने हिसाब से, ओके आते हुए पता नहीं क्या करिए मस्ती के साथ, मस्ती की जरूरत है। मैम से गलत दिखाओ, बाली बाल आए, ये पता नहीं क्या कर क्या कह रहे थे तुम, मछली पूरी बन चुकी है और सब लोग की शक्ल भूखे भूखे, चावल लगाना खाली बस, सर को नहीं ले रही रोटी, मत मेरी प्लेट, हेलो हेलो हेलो, गुड नाइट गाइज, गुड नाइट गाइज, ज्यादा ओवर होके बोल दिया, गुड नाइट, नॉर्मल वाला गुड नाइट बोलते, गुड नाइट प्लीज डाउन, गुड नाइट नहीं अच्छा वाला, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गाइज। तो मेरा व्लॉग मैं करती हूँ इसको एंड, क्योंकि मेरा पूरा डे खत्म हो चुका है और मेरे साथ मैंने भी चला गया है, मेहनती लोग बिल्कुल भी नहीं है, आपको बताना चाहूंगी मैं, बस कैमरा खोल रही हूँ, ऐसे दिखावटी बना कर रहे हैं, सारी चीज मैंने करा, ऐसे अश्लील भाषा का प्रयोग करे मेरे ब्लॉग में, उनको इग्नोर मारे। तो मैं ब्लॉग करती हूँ एंड, गुड नाइट, टेक केयर, बाकी मिलती हूँ कल, कल का शेड्यूल मुझे कुछ नहीं पता, रैंडम प्लान बन रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, 6 बजे उठना ही कह रही है, जो कि मैं उठूंगी पता नहीं कितने बजे, वो पता ही चल जाएगा। तो मिलते हो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।